सो हे गाइस, वेलकम बैक। तो जैसे कि आप जानते हो, मैंने एक सुबह वीडियो बनाई थी DU एंट्रेंस टेस्ट की डेट्स के रिगार्डिंग। एंड मैंने आपको बताया था कि जो DU की एडमिशन कमिटी है, उनकी मीटिंग में ये डिसाइड हुआ था कि जो DU के एंट्रेंस एग्जाम है या फिर DU जेट है, वो आपका 4 सितंबर से 12 सितंबर तक हो सकता है। बट देखो, मेन चीज ये, मैं वेट कर रहा था कि एक बार कंफर्मेशन हो जाए, एक बार ऑफिशियल नोटिस आ जाए। एंड यार, मैं एक्सपेक्टिंग कर रहा था कि यार इतनी जल्दी नोटिस आ जाएगा। देखो, ऑफिशियल नोटिस आ गया रिगार्डिंग DU जेट 2020 डेट्स। तो क्या है वो नोटिस, वो हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखो, उन्होंने क्लियरली लिखा हुआ है, ऑल एस्पिरेंट्स डिजायरस ऑफ सीकिंग एडमिशन टू UG, PG फिलोसफी एंड PhD प्रोग्राम्स ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली थ्रू एंट्रेंस टेस्ट आर हेयर बाय इन्फॉर्म्ड दैट NTA इज लाइकली टू कंडक्ट, देखो यार चीज ध्यान रखो, इज लाइकली टू कंडक्ट द दिल्ली यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट 2020 फ्रॉम 6th सेप्टेम्बर 2020 टू 11th सेप्टेम्बर 2020। तो उन्होंने ये बात क्लियर कह दी है कि जो आपके दिल्ली यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट है, वो 6 सितंबर से लेकर 11 सितंबर तक हो सकते हैं, एंड NTA इस टाइम पीरियड में आपके एग्जाम कंडक्ट करवा सकती है। ठीक है ना, तो मेन चीज ये आ गई है। अभी भी देखो, उन्होंने एक डाउट खड़ा कर दिया, इज लाइकली टू कंडक्ट कह के, बट कोई बात नहीं। देखो, हमें वेट था ऑफिशियल अपडेट का, एंड ये चीज हमारी कंफर्म हो चुकी है कि आपके इन डेट्स के बीच में एग्जाम हो सकता है। देखो, थोड़ा चेंज आया है, मैंने आपको बताया कि 4 से 12 होगा, लेकिन उन्होंने थोड़ा डिसीजन जब आगे गया होगा तो कुछ चेंज आके अब आपका ये 6 सितंबर से 11 सितंबर में आपके एग्जाम हो सकते हैं। देखो यार, हम आपको एक क्लियर इमेज पर चल गए कि आपके इस टाइम पे इन डेट्स में एग्जाम हो सकते हैं। और उन्होंने लिखा हुआ है द डिटेल्ड शेड्यूल विल फॉलो। तो इसके रिगार्डिंग जो पेपर वाइज आपके जो एग्जाम वाइज आपका डिटेल शेड्यूल है, वो बहुत ही जल्दी आ जाएगा। ठीक है, तो मेन चीज ये है कि अब हम आपको क्लियर पिक्चर हो गई है कि आपका एग्जाम 6 सितंबर से लेके 11 सितंबर तक हो सकता है। थोड़ा बहुत चेंज आ सकता है, बट देखो अभी भी एक मेन डाउट ये है कि एग्जाम कैसे कंडक्ट होगा, क्या कन्वेंशनल मोड जो ट्रेडिशनल वे था उसी के अकॉर्डिंग होगा, या फिर कुछ चेंज आएगा मेथड में। तो यार, उसके लिए हमें वेट करना पड़ेगा आगे वाले नोटिसेस के लिए, या फिर कोई आगे कुछ अगर इन्फॉर्मेशन आती है तो उसके लिए मैं आपको बता दूंगा। अब जो नेक्स्ट चीज आती है, वो उन्होंने बोल रखा है, एप्लीकेंट्स आर एडवाइज्ड टू केयरफुली गो थ्रू द रिस्पेक्टिव बुलेटिन ऑफ इन्फॉर्मेशन अपलोडेड ऑन द वेबसाइट ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली टू चेक द एलिजिबिलिटी एंड द कोर्सेज फॉर विच द एंट्रेंस टेस्ट शैल बी कंडक्टेड। दे आर ऑल्सो एडवाइज टू केयरफुली गो थ्रू द इंफॉर्मेशन ऑफ द एंट्रेंस टेस्ट दैट हैज ऑल्सो बीन पोस्टेड ऑन द वेबसाइट। देखो, उन्होंने मेन चीज ये कह दिया कि अगर आप किसी एंट्रेंस टेस्ट को देने जा रहे हो, तो उससे पहले आप ऑफिशियल जो UG बुलेटिन है एंट्रेंस टेस्ट के लिए, एक बार आप उन्हें पढ़ जाओ एंड देख लो ये चीज कि आप एलिजिबल हो या फिर नहीं हो। ठीक है ना, ये बात उन्होंने क्लियर की है। अब जो है, तो नेक्स्ट चीज उन्होंने बोली है, ये बोली है, द एप्लीकेंट्स कैन चूज द रेलिवेंट कोर्सेज वाइल फिलिंग अप देयर रजिस्ट्रेशन फॉर्म। वंस सबमिटेड फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू एंट्रेंस टेस्ट कैन नॉट बी चेंज्ड। कोर्सेज सिलेक्टेड फॉर एंट्रेंस टेस्ट या फिर एंट्रेंस टेस्ट सेंटर प्रेफरेंसेज। तो देखो, मेन चीज मुझे ये नहीं पता कि इन्होंने ये चीज क्यों गई है कि आप आगे चेंज नहीं कर सकते अपनी प्रेफरेंस, बिकॉज यार देखो, उन्होंने अपनी एंट्रेंस टेस्ट या फिर जो अपनी यूजी बुलेटिन में उन्होंने ये चीज क्लियरली कह दिया है पेज नंबर 31 के स्टेप 5 में कि जब आपका एंट्रेंस टेस्ट का रिजल्ट आ जाएगा, तो उसके बाद पोर्टल रीओपन होगा प्रेफरेंस को चेंज करने के लिए। अब मुझे नहीं पता उन्होंने बात क्यों कह दी कि आप एडिट नहीं कर सकते हो। हो सकता है उन्होंने ये बात कही है कि आप रजिस्ट्रेशन टाइम पे कोई गलती ना करो, एंड या फिर ये हो सकता है कि आप अभी एडिट ना कर पाओ, रिजल्ट के बाद ही एडिट कर पाओ। तो बट ये चीज थोड़ा डाउट बोल दिया उन्होंने ये चीज कहकर। बट चलो, कोई बात नहीं यार, मेन चीज ये है, आपने अभी तक अपनी प्रेफरेंस ठीक ही भरी होगी। अगर नहीं भरी होगी तो यार देखो, टेंशन मत लो, पिछले साल भी पोर्टल रीओपन हुआ था रिजल्ट के बाद, एंड इस बार भी रिजल्ट के बाद ओपन जरूर होगा। एंड यार, सब थोड़ी बहुत गलती कर देते प्रेफरेंस में, एंड ये ऑप्शन जरूर देंगे आपको पोर्टल रीओपन करके प्रेफरेंस चेंज करने का। सो गाइस, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो यार। आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगे यार। देखो, शेयर करो अपने सारे फ्रेंड्स के साथ, ऑल्सो वीडियो को लाइक करो, ऑल्सो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल सक्सेसफुली संस्कार को सब्सक्राइब नहीं किया है और बेल आइकन को प्रेस नहीं किया यार, अभी कर लो यार, क्योंकि जो भी अपडेट आएगा सबसे पहले आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा। So that's it for this video. मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।